नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मुनगा फली की कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो मैंने ये दही लिया था आधा किलो, तो इसको फेट करके इस तरीके से मैंने मठा की तरह कर लिया है पतला सा। बेसन और ये मैंने मुनगा की फली को इस तरीके से निकाला है, और ये थोड़ी सी मैंने ली है आपको कट करके दिखाने के लिए कि मैंने इसको किस तरीके से निकाला है। और थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये थोड़ी सी हींग ली है, एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने छील करके बारीक चॉप कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरा और मेथी दाना। तो चले चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो मैंने इधर इधर के दोनों तरफ के पार्ट को मैंने पहले ही कट कर दिया है। अब हम बीच से इसको कट करेंगे इस तरीके से, और हम इस तरीके से फाड़ लेंगे बीच से इसको। ये देखिए, और इसी तरीके से मैं इनको भी फाड़ लूंगी, बीच से कट लगाएंगे और इसको मैं इस तरीके से, और जो ये हमारी पतली है ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे और इनको हम छील लेंगे। और जो मैंने इसको इस तरीके से हमने फाड़े थे तो उनका इस तरीके से ऐसे इसका ये निकाल लेंगे अंदर का। तो ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है जो अपन छीलते हैं ना, तो ये वाले तो ये मुंह में आते हैं, लेकिन ये वाले बिल्कुल भी मुंह में नहीं आते हैं। तो दो तरह से बनते हैं, तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी। मैं तो ज़्यादातर ऐसे वाला ही बनाती हूँ, ये वाला इस तरीके से निकाल करके, तो ये बिल्कुल मुँह में नहीं आते हैं, तो अच्छे लगते हैं कढ़ी खाने में। तो वैसे तो मैंने पहले इसको धोया था, इसके बाद ही वो करी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार धो लेते हैं और इसी प्लेट में छान लेंगे इस तरीके से छान लेंगे। अब हम बेसन को घोल लेंगे, तो एक बर्तन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे बेसन और ये जो हमने मठा बनाया है, तो इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको घोल बना लेंगे। तो मैंने अभी मठा से ही घोला था पूरा, मठा मेरा थोड़ा सा खट्टा है, तो मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड करूंगी। और उसी बर्तन में मैंने पानी डाल लिया था जिसमें मैंने मठा रखा था। तो ये देखिए हमारा घोल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है। गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है लहसुन, उसे थोड़ा सा इस तरीके से मिला लेंगे। अब डाल देंगे हरी मिर्च, इसे भी मिला लें इस तरीके से। अब डाल देना है मेथी दाना और जीरा। अब हींग डाल देंगे यहीं पर और हम एक बार इस तरीके से इनको सबको चला लेंगे। और अब डाल देना है मुनगा फली जो हमने इस तरीके से घिस करके रखा है। तो मैंने इसे 3-4 मिनट इसी तरीके से चलाया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसे भी इस तरीके से मिला लेंगे। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, आपको जितना नमक लगता है उसके हिसाब से आप नमक ले सकते हैं। और इसे हम इस तरीके से चला लेंगे। गैस को थोड़ा सा हम तेज कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और गैस को मंदी कर देंगे ताकि जो हमारी मुनगा फली अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम इसमें कढ़ी डालेंगे। अब हम इसको खोल करके चेक करेंगे, करीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो हम खोल करके इसको चेक करेंगे कि हमारी मुनगा फली अच्छे से पक गई है कि नहीं। तो ये देखिए मुनगा फली हमारी अच्छी से पक चुकी है। ये जो हमने बेसन का और मठे का घोल बना करके रखा था, तो ये वो डाल देंगे इसी में इस तरीके से, और इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए कढ़ी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और इसे इस तरीके से मिला लें। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी मुनगा फली की कढ़ी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।